वापस गॉडहेड ने राजकुमार को बहुत जल्द पारित कर दिया। वापस गॉडहेड दिसंबर 1976 राजा के पास कई पत्नियां थीं, लेकिन अजीब तरह से उसका एक बेटा नहीं था। क्या हुआ जब वह आखिरकार एक हो गया? और भी अजीब था। एक कहावत है कि माता पिता अपने बच्चों के माध्यम से रहते हैं। उदाहरण के लिए, हम कितनी बार सुनते हैं, एक पिता ने अपने बेटे को बताते हुए कहा, आप मुझसे बड़े हो जाएंगे, या आपको जो शुरू किया गया है उसे खत्म करना चाहिए। लेकिन उम्र पहले महान राजा सित्रकटू को मरने जैसा लगा, उसका एक बेटा नहीं हो सकता है। अन्यथा जबकि राजा सित्रकटू ने पृथ्वी पर शासन किया, सब कुछ खूबसूरती से चला गया। फलों के पेड़ अपनी रसदार उपज के साथ कम लटकाए गए, सुस्वाद सब्जियों ने खेतों में भीड़ लगाई, पहाड़ अपने रत्नों और खनिजों के साथ उदार थे, और समुद्रों ने मोती प्रदान किए। अपने स्वयं के हिस्से के लिए राजा के पास वह सब कुछ है जो कोई भी चाहता है, युवा अच्छा लग रहा है, बुद्धिमत्ता, धन। और उसके पास कई रानियां थीं, उनमें से सभी प्यारे चेहरे और करामाती आंखें, और उन सभी को बंजर के साथ। हाँ, सित्रकेतु के पास सब कुछ था, सिवाय इसके कि वह सबसे अधिक चाहता था। एक बेटा न केवल राजवंश पर ले जाएगा, बल्कि डेमिगॉड्स को बलिदान भी देगा और अपने माता पिता के स्वर्गीय इनाम का बीमा करेगा। जैसा कि सित्रकेतु ने भविष्य की ओर देखा, वह टूट गया था। उनके अन्य आशीर्वादों में से कोई भी उन्हें खुश नहीं कर सकता था। फिर एक दिन राजा के जीवन ने एक अजीब मोड़ लिया। महान ऋषि अंगिरा ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा कर रही थी और उसकी मीठी इच्छा से वह शाही महल में आया था। जब अंगिरा सिंहासन के कमरे में चली गई तो सित्रकटु अपने सिंहासन से उठकर झुक गया। राजा जानता था कि उसका आगंतुक एक महान गुरु था। उन्होंने अच्छी तरह से चुने गए शब्दों के साथ अंगिरा की प्रशंसा की, अपने पैरों को धोया और उन्हें बेहतरीन खाद्य पदार्थों से खिलाया। सित्रकेतु ने व्यक्तिगत रूप से पवित्र व्यक्ति की सेवा की, उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान के अतिथि के लिए एक विनम्र मेजबान के रूप में अपने कर्तव्य का प्रदर्शन किया। जब अंगिरा खाना खत्म कर चुकी थी और एक समृद्ध रूप से सजी हुई सीट पर आराम कर रही थी, तो राजा विनम्रतापूर्वक अपने पैरों पर बैठ गया। तब अंगिरा बोलने लगी, मेरे प्यारे राजा, उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि आपका राज्य शांतिपूर्ण है और आपके सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप खुद खुश नहीं हैं। आपका चेहरा मुझे बताता है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। एक लक्ष्य है जो आप चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। किसे दोष दिया जाए? क्या आप गलती पर हैं या दूसरों ने आपको सफलता से रखा है? कृपया मुझे बताएं, आपका पीला चेहरा आपके दिल में गहरी चिंता को दर्शाता है। हे अंगिरा, महान मास्टर, राजा सित्रकटु ने जवाब दिया, आप उन लोगों के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं जो इस भौतिक दुनिया के नियमों से बंधे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों टूट गया हूँ। आपके पास सही दृष्टि है क्योंकि आप इतने दृढ़ और शुद्ध हैं। फिर भी आपने मुझे यह बताने के लिए कहा है कि मैं क्यों चिंतित हूँ। जब से आपने पूछा है, मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं अपने जीवन के लक्ष्य से कम हो गया हूँ। जिस तरह एक भूखा व्यक्ति फूलों के साथ माला होने से संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता है, मैं एक महान साम्राज्य और कई संपत्ति होने से संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता। मेरा दुख यह है, मेरा कोई बेटा नहीं है। कृपया हे उच्च दिमाग वाला ऋषि, मुझे बचाओ और मेरे परिवार को बचाओ। कृपया कुछ करें ताकि मेरा एक बेटा हो। ट्रांसेंडेंटलिस्ट अंगिरा के पास सामान्य भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाला कोई व्यवसाय नहीं था, लेकिन उनकी दयालुता से बाहर उन्होंने राजा को दूर नहीं किया। अपनी रहस्यवादी शक्ति पर आकर्षित करते हुए उन्होंने दूध और चीनी में उबले हुए कुछ चावल लिए, इसे TVASTA नाम के एक डेमिगॉड के लिए एक अनुष्ठान में पेश किया और फिर इसे सित्रकेतु की पसंदीदा रानी कर्ताड्युटी को दे दिया। अब ऋषि ने राजा से कहा, आपके पास एक बेटा होगा, एक बेटा जो आपको खुशी और दुख दोनों लाएगा। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना अंगिरा ने महल छोड़ दिया। ऋषि के शब्द पर भरोसा करते हुए सित्रकेतु ने एक बच्चे की कल्पना की जो कि कृतादुति के गर्भ में थी, और सभी के विस्मय के लिए समय में उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब उन्होंने खबर सुनी तो सभी नागरिक अपने राजा के लिए बहुत खुश थे। स्नान करने और खुद को भव्य रूप से अलंकृत वस्त्रों में ड्रेसिंग करने के बाद सित्रकेतु ने शाही पुजारियों से नवजात बच्चे को आशीर्वाद देने और जन्म समारोह का प्रदर्शन करने वाले पवित्र शास्त्रों के रूप में निर्देशित किया। फिर आनंदित करते हुए उन्होंने पुजारियों को उपहार दिए, गोल्ड, चांदी, कपड़े, गहने, गांव, घोड़ों, हाथियों और गायों को। अंत में एक बारिश के बादल के रूप में स्वतंत्र रूप से सब कुछ, यहाँ तक पहाड़ों और महासागरों को पानी देता है, राजा ने उपस्थित सभी लोगों पर अपने धन को प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने नए राजकुमार के अच्छे नाम को फैलाने की उम्मीद की। राजा की आशाओं के साथ अब इतनी निराशा के बाद पूरी हो गई। छोटे बच्चे के लिए उसका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और स्वाभाविक रूप से लड़के की मां क्वीन कृतादुति के लिए उनका प्यार भी बढ़ता गया। आश्चर्य की बात नहीं है, जैसा कि कृतादुति अधिक से अधिक खुश हो गई, अन्य रानियां अधिक से अधिक घृणित हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा ने शायद ही उनकी परवाह की और वे ईर्ष्या के साथ जल गए।
वे भी बेटों के लिए चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सकते थे। केवल कृतादुति ने ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त किया था और अन्य रानियों ने एक दूसरे को कड़वा डाला। अगर एक पत्नी का कोई बेटा नहीं है तो उसके पास उदासी के अलावा कुछ नहीं है। उसका पति उसकी उपेक्षा करता है, उसकी सहपत्नियों ने उसका अपमान किया और उसे एक नौकरानी की तरह व्यवहार किया। ऐसी महिला को हर तरह से निंदा की जाती है, यहाँ तक पति के नौकरानियों को भी उसकी तारीफ मिलती है। उनके पास पछतावा करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब हम नौकरानी के नौकरानी हैं, हम सबसे अधिक मनहूस हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने दर्द को खड़ा करने में असमर्थ, क्वींस ने सभी सामान्य ज्ञान खो दिए। वे पागल हो गए और आखिर में उन्होंने बच्चे की हत्या करने की साजिश रची। एक दिन जब माँ और नर्स दोनों बच्चे के कमरे से बाहर थे तो कुछ रानियों ने चुपचाप प्रवेश किया और उसके मुंह में जहर डाल दिया। महल के एक और विंग में रानी क्राड्यूती ने कहा, नर्स, युवा राजकुमार को मेरे पास लाओ, मुझे लगता है कि वह काफी लंबे समय से सो रहा है। जब नर्स बच्चे के कमरे में गई और उसके बिस्तर पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं। हैरान, उसने करीब से देखा और देखा कि वह सांस नहीं ले रहा था, कि उसके दिल की धड़कन रुक गई थी, कि वह मर गया था। मैं अपराधी हूँ, वह रोया, दोनों हाथों से अपनी छड़ें मारकर जोर से छटपटा। जब रानी ने चीखते हुए सुना तो वह अंदर भाग गई। नाज दुहक से टकरा गई, बिस्तर से झूठ बोल रही थी। जैसा कि कृतादुति ने अपने बच्चे के पास किया था, उसकी पोशाक और बाल और दिमाग अव्यवस्थित थे। ऊपर की आंखों और बेजान अंगों को देखकर वह बेहोश हो गई और नाज के बगल में गिर गई। मैं इन दो लोगों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? महल के कई अन्य लोगों ने चीखें सुनी और वे राजकुमार के बेडरूम में आए। कुछ जल्दबाजी में अन्य लोग हिचकिचाते हैं। मृत बच्चे को देखते हुए उनमें से कोई भी अपने आंसू वापस नहीं पकड़ सकता था। यहाँ तक जानलेवा रानियों ने दरवाजे के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। उन्होंने दूसरों के साथ रोने का प्रदर्शन किया। जब किसी ने राजा को बताया कि क्या हुआ था तो वह लगभग अंधा हो गया। दू ख ने अपना मन बना लिया और वह पहले इस हॉलवे से अपने बेटे के कमरे की ओर ठोकर खाई, जिस तरह से फिसल रही थी और रास्ते में अनगिनत बार गिर रही थी। आधे अधूरे वह भीड़ भरे द्वार के माध्यम से दुखद दृश्य के माध्यम से झुक गया। अपने मंत्रियों, शाही अधिकारियों और पुजारियों से घिरे, उन्हें अपने मृत लड़के की एक झलक मिली और वह अब खुद को शामिल नहीं कर सका। झटकों और अव्यवस्थित वह बच्चे के पैरों पर बेहोश हो गया। शीघ्र ही सिट्रिकेटू ने अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन वह शब्दों के बाहर आने के लिए बहुत अधिक सांस ले रहा था। अपने आंसू के माध्यम से उन्होंने रानी क्राड्यूती को अपने बगल में देखा, बिस्तर के खिलाफ झुकते हुए। फूलों की माला जिसने उसके बालों को सजाया था वह नीचे फर्श पर फिसल गया था। काजल के साथ मिश्रित आंसू उसके चेहरे के नीचे ग्रे लाइनों का पता लगाया और उसकी पोशाक को दाग दिया। उसने अपने मृत बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया और जैसे ही उसने बच्चे के शरीर को देखा वह एक उदास गीत की तरह रोया। फिर कड़वा बढ़ते हुए उसने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाया और चिल्लाया, रब्बा बे, तुम बेकार हो। आपके पास एक ऐसा कानून है जो एक बेटा अपने पिता के मरने के बाद ही मर सकता है, फिर भी आपने मेरे बेटे को मरने दिया है जबकि उसके पिता अभी भी जीवित हैं। आप कह सकते हैं कि आप उस कानून को याद नहीं करते हैं और आप कह सकते हैं कि जन्म और मृत्यु हमारी अपनी गतिविधियों के कारण होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्रूरता से बाहर आपने अपना कानून तोड़ दिया है। अगर हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम जन्म और मृत्यु पर ला सकते हैं तो भगवान की जरूरत किसे है? या यदि आप कहते हैं कि एक भगवान होना चाहिए क्योंकि चीजों को चलाने के लिए कोई होना चाहिए, तो मैं प्रभावित नहीं हूं। आप भगवान हो सकते हैं लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हैं। आप माता पिता को अपने बच्चे से प्यार करते हैं ताकि वे उसे अच्छी तरह से उठाएंगे, लेकिन फिर आप बच्चे को छीन लेते हैं। अब हर कोई अपने बच्चों की उपेक्षा करेगा। आप बहुत स्मार्ट नहीं हैं। कांपते हुए रानी ने फिर से अपने बेटे के बिस्तर की ओर रुख किया और लाश से बात की। एक छोटा सा, मैं असहाय और दुख से भरा हुआ हूँ, कृपया दूर न जाएं, बस अपने पिता को देखो। अब हम असहाय हैं, आप हमारी एकमात्र आशा हैं। कृपया किसी भी दूर की मृत्यु के साथ दूर न जाएं, हमारे पास वापस आओ। सभी पवित्रता को देखते हुए उसने खुद को असंभवता में शामिल किया। मेरे बच्चे, तुम लंबे समय से सो चुके हो, अब कृपया उठें, आपको बहुत भूख लगनी चाहिए, इसलिए उठो और मेरे स्तन को चूसो, कृपया हमारे आंसू सूखें। उद्धरण चिन्ह। मेरे प्यारे बेटे, मैं सबसे अशुभ व्यक्ति हूँ, मैं अब आपकी कोमल मुस्कान नहीं देख सकता। आपने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी हैं। आपको इस ग्रह से दूर ले जाया गया है और आप कभी नहीं लौटेंगे। मैं आपकी आवाज फिर कभी नहीं सुनूंगा। कृतादुति को सुनकर इतनी पेट पर ले जा रही थी, राजा ने अपनी निराशा को लंबे समय तक जोर से डाला। सभी राजा के अनुयायियों ने सबसे गहरे अवसाद को दिया। रोते हुए वे सभी लेकिन बाहर निकल गए। दूर अंगिरा ने त्रासदी के बारे में सुना।
ऋषि नारदा के साथ उन्होंने एक बार में सिट्रैकटु के महल की यात्रा की और राजकुमार के भयावह बेडरूम के लिए अपना रास्ता बनाया। वहां उसने देखा कि राजा ने एक और शव की तरह फर्श पर पड़े थे। औपचारिकताओं को भूलकर अंगिरा ने राजा को संबोधित किया दया के भावुक शब्दों के साथ नहीं बल्कि पालौकिक ज्ञान के असंबद्ध शब्दों के साथ। हे राजा, अंगिरा ने कहा, उस मृत शरीर के पास आपके साथ क्या रिश्तेदारी है? या आप इसके साथ आत्मा के लिए जो इसके अंदर रहता था, आप कह सकते हैं कि वह आपका बेटा है, लेकिन क्या वह वहां रहने से पहले आपका बेटा था? या वह कल आपका बेटा होगा? जिस तरह समुद्र की लहरें एक साथ धक्का देती हैं और रेत के अनाज को अलग करती हैं, उसी तरह समय की लहरों को लोगों से मिलने और अलग करने का कारण बनता है। यह प्रकृति का नियम है और कोई भी राशि विलाप इसे रोक नहीं सकती है। जमीन में बोए गए बीज कभी कभी बढ़ते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं, यह स्वाभाविक है। पिता कभी कभी बेटे मिलते हैं और कभी कभी वे नहीं करते हैं, यह भी स्वाभाविक है। इसलिए आपको अपने बेटे की मृत्यु पर रोना या पीड़ित नहीं होना चाहिए। हम रिश्तेदारी के रूप में क्या सोचते हैं, केवल इसलिए आता है क्योंकि सर्वोच्च भगवान हमारे लिए इसकी व्यवस्था करते हैं। पिता के शरीर और माता के शरीर से बच्चे का शरीर आता है। उन निकायों के परमाणु शाश्वत हैं और जो आत्माएं परमाणुओं के माध्यम से खुद को प्रकट करती हैं, वे भी शाश्वत हैं। हम परिवार या देश के आधार पर लोगों के बीच जो भेद करते हैं वह काल्पनिक हैं। हम इन भेदों को केवल ज्ञान की कमी से बाहर करते हैं। इन निर्देशों से प्रबुद्ध राजा सिट्रैकटु ने जीवन में अपनी आशा हासिल कर ली। अपने हाथ से अपने भयावह चेहरे को पोंछते हुए उन्होंने अंगिरा से बात की। सभी पुरुषों में से आप सबसे अधिक प्रशंसावान हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप पूरी दुनिया में हमारे जैसे भौतिकवादियों के लिए अच्छा करने के लिए भटकते हैं, जो हमेशा भावना से संतुष्टि से जुड़े होते हैं। मैं एक गांव के जानवर के रूप में एक सुअर या कुत्ते की तरह मूर्ख हूं। कृपया ज्ञान की मशाल को प्रज्वलित करें, मुझे बचाओ। अंगिरा ने जवाब दिया, मेरे प्यारे राजा, जब आप एक बेटा चाहते थे तो मैं तुम्हारे पास आया। मैं आपको उस समय सर्वोच्च पालौकिक ज्ञान दे सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपका मन भौतिक चीजों में अवशोषित हो गया था, तो मैंने आपको एक बेटा दिया जो, जैसा कि मैंने आपको चेतावनी दी थी, आप दोनों खुशी और दुख का कारण बना। अब आप पारिवारिक जीवन के दुख का अनुभव कर रहे हैं। आपका परिवार और वास्तव में आपका पूरा राज्य संकट के सभी कारण है, क्योंकि वे स्थायी नहीं है, वे आपके लिए सपनों से बेहतर नहीं है। जैसे ही सिट्रैकटु ने प्रभु को देखा, वह प्यार के आंसू रोया, उसकी आवाज चकित हो गई। हे राजा सिट्रैकटु, यह समझने की कोशिश करें कि आप शरीर मन या आत्मा हैं या नहीं। विचार करें कि आप कहां से आए हैं, आप इस शरीर को छोड़ने के बाद कहां जा रहे हैं और आप भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में क्यों हैं। यदि आप अपनी वास्तविक स्थिति को समझने के लिए आते हैं तो आप भ्रम की चीजों के लिए अपना लगाव छोड़ने में सक्षम होंगे, जैसे कि ये सामग्री रूप, और आप अपने विश्वास को भी छोड़ने में सक्षम होंगे कि सामग्री रिश्तेदारी हमेशा के लिए रहती है। जब अंगिरा ने राजा से बात करना समाप्त कर दिया था तो महान ऋषि नारदा ने अपनी रहस्यवादी शक्ति का प्रयोग किया और मृत पुत्र को सभी विलाप करने वाले रिश्तेदारों की दृष्टि में लाया। हे आत्मा, नारदा ने कहा, आप सभी सौभाग्य। देखो, आपके पिता और माँ और आपके सभी दोस्त और रिश्तेदार त्रस्त हैं क्योंकि आप गुजर गए हैं। आप इतनी कम उम्र में मर गए और आपका शेष जीवन अभी भी बने हुए हैं। इसलिए अपने शरीर में वापस जाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने जीवन के बाकी हिस्सों का आनंद लें। शाही सिंहासन ले लो और आपके पिता आपको देंगे सभी धन आपको देंगे। नारद की रहस्यवादी शक्ति से आत्मा मृत शरीर में लौट आई। फिर उसने बात की जैसे कि सभी ने गैस किया। मैं प्रसारित करता हूं, उन्होंने कहा, मेरी पिछली गतिविधियों की गुणवत्ता के अनुसार एक शरीर से दूसरे में। कभी कभी मैं डेमिगोड्स की प्रजातियों में जाता हूं, कभी कभी निचले जानवरों को, कभी कभी पौधों को और कभी कभी मनुष्यों को। कौन से जन्म में ये लोग मेरे माता और पिता थे? दरअसल कोई भी मेरी माँ नहीं है और कोई भी मेरे पिता नहीं है। मैं इन दो लोगों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जिस तरह सोने और अन्य वस्तुएं खरीद और बिक्री के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती हैं, इसलिए उनकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जीवित आत्मा पूरे ब्रह्मांड में भटकता है। एक के बाद एक के बाद एक प्रकार के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, एक के बाद पिता की तरह। आत्मा आत्मा शाश्वत और अभेद्य है, उसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। वह कभी जन्म नहीं लेता है और वह कभी नहीं मरता है। प्रभु का हिस्सा और पार्सल होने के नाते वह एक मिनट की मात्रा में प्रभु के गुणों के पास है, इसलिए आपको उसके लिए विलाप नहीं करना चाहिए। समाप्त होने के बाद आत्मा ने शिशु शरीर को छोड़ दिया और महल से गायब हो गया। सिट्रैकटु और मृत बेटे के अन्य सभी रिश्तेदार चकित थे। आत्मा आत्मा के शब्दों ने उनके दुहक को मिटा दिया था। वे भौतिक लगाव की दुविधाओं से मुक्त महसूस करते थे। इस मूड में उन्होंने उचित अंतिम संस्कार समारोहों को रखने और शरीर को जलाने के अपने कर्तव्यों का पालन किया।
जिन क्वींस ने लड़के को जहर दिया था उन्हें लगा कि उन्होंने क्या किया था और उन्होंने अपनी सभी शारीरिक चमक खो दी थी। उन्होंने बच्चों को सहन करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दी और पवित्र नदी यमुना गए और स्नान करने और उनकी पापी गतिविधियों के लिए तपस्या करने के लिए। अपने महल और अपने शाही स्थिति को छोड़कर सित्रकेतु भी यमुना नदी में गए, वहां स्नान किया और देवी गोद्स और उनके पूर्वजों को पानी की पेशकश की। अंगिरा और नारदा उनके साथ गए और उन्होंने उन्हें अपने सम्मान की पेशकश की। राजा ने आध्यात्मिक जागरूकता हासिल करने के लिए अपने जीवन के बाकी हिस्सों को समर्पित करने का फैसला किया था। नारद ने तब सित्रकेतु को अपना शिष्य माना और उन्हें पूर्णता के चरण तक पहुंचने के लिए प्रार्थना दी। नारद और अंगिरा के चले जाने के बाद सित्रकेतु ने उपवास किया, केवल पानी पिया और प्रार्थना का जाप किया। कई दिनों के भीतर उन्होंने देखा आमने सामने गॉडहेड कृष्ण का सर्वोच्च व्यक्तित्व। प्रभु एक कमल के फूल के सफेद फाइबर के रूप में सफेद थे और नीले कपड़ों में कपड़े पहने थे। संत व्यक्तियों से घिरा और एक स्पार्कलिंग हेलमेट, आर्मलेट्स और बेल से सजी वह मुस्करा रहा था। जैसे ही सित्रकेतु ने यहोवा को देखा उसकी आंखों से प्यार के आंसू बह गए और वह भगवान के कमल के पैरों पर झुक गया। अपने परमानंद के कारण सित्रकेतु की आवाज चकित हो गई और पहले तो उसे कुछ भी कहने में कठिनाई हुई, लेकिन जल्द ही वह अपने दिल के भीतर गहरे से आने वाली प्रभु प्रार्थनाओं की पेशकश करने में सक्षम हो गया। पूरी तरह से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने सित्रकेतु से कहा कि वह अपनी भक्ति को कैसे परिपूर्ण बना सकते हैं। चूंकि उन्होंने ऋषियों के निर्देशों का इतनी अच्छी तरह से पालन किया था, कृष्ण ने उन्हें एक स्वर्गीय ग्रह विद्याधारा लोका पर शासन करने के लिए कहा। वहां सुमेरु पर्वत की घाटियों में उसका शरीर और इंद्रियां ताजा रहे और लाखों वर्षों तक उन्होंने प्रभु की महिमा का जाप करने का आनंद लिया। सित्रकेतु ने इस दुनिया के अल्पकालिक रिश्तेदारी के पिछले हिस्से को देखा था। अंत में वह आध्यात्मिक दुनिया में वापस चला गया अपने स्थायी रिश्तेदारी के लिए कृष्ण के साथ।